तो दोस्तों कल मैंने जहाँ पे डीजल डलवाया था वहाँ से मेरी गाड़ी यहाँ तक आ गई 330 किलोमीटर दोस्तों। और लीलैंड और टाटा में क्या फर्क है, मेरी 6 सिलेंडर है, बाबा की 4 सिलेंडर है। तो भाई 330 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली वो गाड़ी, तब जाके शाहजहानपुर में डलवाया डीजल। ये दोस्तों शाहजहानपुर पार करके पंप इंडियन ऑयल का, तो पापा ने यहाँ डलवाया डीजल भाई। जाते वक्त बनारस की फुल थी, तो बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से शाहजहानपुर पहुंच की गाड़ी भाई। और मेरे से 330 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चली भाई, देखो 4 सिलेंडर की गाड़ी का कितना फायदा है, देखो 330 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल पड़ी है। देख रहे हो दोस्तों कितना फर्क है, देखो लीलैंड 4 सिलेंडर की गाड़ी 22 फुट की गाड़ी है, और भाई कैंटर वाली एवरेज है भाई, कैंटर जितने देती है ना गाड़ियाँ उतनी एवरेज दे रही है 4 सिलेंडर गाड़ी। हम तो पागल है यार, इतने बड़े बड़े गाड़ी खरीद के बैठे हुए 6 सिलेंडर, कोई फायदा नहीं आज की डेट में भाई। 300 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा निकल जाए ना, बहुत होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पहुँच गई बाबा की शाहजहानपुर गाड़ी भाई, बनारस की खुलने जाते वक्त, बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से शाहजहानपुर पहुँच गई। और जहाँ पे मैंने कल तेल डलवाया था वो 330 किलोमीटर हो गए यहाँ से, यहाँ तो 330 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो गाड़ी चल पड़ी बाबा की, तो फायदा ना भाई। तो इससे बढ़िया भाई 4 सिलेंडर गाड़ी मतलब, क्योंकि 6 सिलेंडर का कोई फायदा नहीं है यार, आप ओवरलोड तो चलना नहीं, अंडरलोड चलना है, ओवरलोड आप चल भी नहीं सकते। इससे बढ़िया तो 4 सिलेंडर गाड़ी लो अपने, बढ़िया एवरेज भी बढ़िया, पैसे भी बढ़िया। ये देखो दोस्तों बाबा आ गया टैंकी फुल करवा के डीजल डलवा कर, ये देखो लीलैंड 4 सिलेंडर है। ये भी पूरी 22 फुट है दोस्तों, और मेरे से हल्की है भाई, 76 क्विंटल की है ये, 1 टन कम है मेरे से वजन, वो भी 22 फुट का, और अपनी 20 फुट है भाई ये 9 टन की। ओ यार चलते चलते बाबा का टायर फट गया यार, आवाज आई बड़ी जोर की, टायर फट गया बाबा का भाई। बाबा क्या हो गया, वो बंदा शहीद कर दिया तुझे यार, कमाल निकल ले, वही फट गया है। ओहो ये यार वो लगाओ परे होटल में आके, वो अगले में होटल आओ, तो बैग करनी पैनी मैनू, रोड में खड़ी है मेरी गड्डी, आगे है तो होटल आप ही बदल लूंगे क्या लाल इतने लाल। तो ये हुआ दोस्तों इसका धमाका, यहाँ से देखो यार तो नया ही था दोस्तों, ये पहले कट लगाया था, कट पकाया हुआ था, तो ये एयर ले गया यहाँ से और फट गया ये जेके टायर। तो पापा ने भाई टायर वाले से खुलवा रहे हैं, मैं बोला था अपने आप बदल देंगे, बोलते गर्मी है तो टायर वाले से बदलवा रहे भाई, अपने आप ही खोल के फिट कर देगा स्टपनी भी। क्या ही बोले दोस्तों, दोस्तों चाचे ना टायर तो फटाफटा, पर चाचे ने स्टपनी बनाई होगी ना उधर नालागढ़ में, तो भाई वो पंचर थे तो हवा थी नहीं, तो अभी चलो टायर पंचर लगवा रहे, तो गर्मी बहुत है, पानी लेके आया यार परे से, वो परे तू होटल में तो मिलता नहीं है, होटल में किए तो गर्म पानी का, मतलब चलो गर्मी बहुत है तो पानी पी लेते हैं ठंडा, तो पानी लेके आया तो चाचे को पिलाते पानी। तो बाकी टायर खोल के रख दिया, देखो ये टायर टूर खोल के रख दिया है, तो जो ये टायर फट गया था वो तो लटका दिया भाई पंचर वाले ने, देखो यहाँ पे लटक गया है, जो स्टपनी थी वो भी पंचर था भाई। क्या ही बोले दोस्तों, चाचा गया सो भाई मजे से, तो टायर बन रहे थे देखो हवा बा, लो चाचा पानी पियो, ठंडा पानी पाइए मन सियाने, धोनी वाला पानी है देखो, धोनी छपे रहे थे, धोनी के फैन है तुम्हें, तक धोनी वाला खत्म कर देना, फिर बोल रहे नेट के तेज में थोड़ी नेट लगता है, तेरा वीडियो बना रहे, नहीं खत्म हो रहा है, आ गया स्वाद, आई स्वाद चाचा खुश हो गया, ठंडा पानी मिल गया चाचे को, पंचर लग रहा है गड्डी को भैया। ये बन गया दोस्तों अपने टायर, अंदर लगा दिया इसको, अंदर ठीक रहेगा ये पुराना, नहीं बाहर तो जोर पड़ता है इसको, है तो ट्यूब तो ठीक है, चल पड़ेगा काम। तो दोस्तों ट्यूब थोड़ी हल्की सी है, मतलब पंचर ज़्यादा उसमें, तो बाबे को भी पता नहीं था, तो मालिक ने दिया ऐसे ही, तो बाबा भी ले आया, तो इसको अंदर लगा दिया, अब नट कसेंगे मशीन से ही दोस्तों। अब ना राड से ना नट खोलने में डर लगता है, वो जोर ही नहीं लगता यार, तो ये साथ में ये यहाँ पे पार जाके गाड़ी है ना खड़ी यहीं पे, बोल गया टायर ये, तो साथ ही में यहाँ पे टायर वाला भाई था तो इनसे लगवा लिया पंचर, तो ये लटक गया था स्टपनी, तो इसे मशीन से कसेंगे अब धड़ धड़ करके, मिनटों मिनट में नट कस के तैयार, ये देखो बूम करेगा, ये देखो ऐसे एक मिनट में साथ कस के कस नट, एक मिनट में बढ़िया हो गया बट यार आपका तेज चल, चाय क्यों पीनी नहीं, नहीं बाबे ड्राइवर लोग ज़्यादा चाय क्यों पीते, तो सारे ड्राइवर ना क्या ठंडा नहीं पीते, बोले गर्मी करके चाय पीते, बोले गर्मी गर्मी को मारती हैं, इसीलिए ड्राइवर लोग चाय ज़्यादा पीते दोस्तों।
टायर अपना ओके बराबर है, टायर एंड टच। तो दोस्तों टायर टूर अपना हो गया ओके। तो शाम के 3:40 हो गए हैं, तो टायर भी अब ठंडे हो गए मेरे भी, और अब पीते हैं दोस्तों चाय। तो ठंडे ठंडे क्या पीने, चाय ही पीते हैं हम लोग ज़्यादातर, इसीलिए चाय पीने जा रहे हैं। अब चाय पी के फिर अगला काम शुरू करेंगे। बाकी अपनी गाड़ी भी ठंडी हो गई है, पीपल के पेड़ की छाँव के नीचे लगाई हुई गाड़ी, और टायर भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। गाड़ियाँ देखो इधर लगी हुई है। तो जा रहे हैं ढाबे में चाय पीने के लिए। ये है यहाँ पे होटल, तो पहली बार रुके इस होटल में। बाकी देखो बुट्टे की छाँव में सोया हुआ, देखो उस्ताद हवा चल रही है ठंडी ठंडी, पंखा तो गर्म हवा मारता। चाय पानी अपना हो गया, चल पड़े गाड़ी में। बाबा पक गया, बाबा तुझे फुर्ती बड़ी रख दे, एकदम सटासट चल रहा बाबा। सारे उठ गए, 4 बज गए शाम के, और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इधर टायर वाले का कर दे हिसाब किताब, कितने बनाए इन्हें पैसे? 250 रुपये। ठीक है फिर 250 रुपये पंचर भी ला गया ना, खोला भी खुद दस्ट अपने भी। बाबा ने हाथ नहीं लगाया भाई, 250 रुपये लिए। बाबा जा रहे बाथरूम, तो हम भी चलते बाबा जी के पीछे पीछे बाथरूम को। भाई ये बनाओ देखो नहाने के लिए पानी है, ये देखो नहाने के लिए पानी भाई ताज़ा भर के रखा अभी। तो दोस्तों चल पड़े हैं टायर टूर बना के हम लोग, बाबा मैं और क्या नाम, हमने आगे जाके रुकना था आगे दारे के होटल में। तो चलो दारे के होटल से पीछे यहीं टायर पंचर हो गया बब्बे का, अगर वहीं पे रेस्ट रूस्ट कर लिया, टायर टूर बना लिया, और अब चल पड़े हैं दोस्तों। तो आज लक्सर में थी छुट्टी, तो चौधरी साहब को फोन करा था, मैं क्या लोकेशन ही भेजे कंपनी की। चौधरी साहब बोलते मैं खुद मुरादाबाद हूँ, बोलते आज खाली नहीं होनी थी, इलेक्शन है चले हुए उत्तराखंड में, तो आज छुट्टी थी कंपनी में, तो इसलिए वो मुरादाबाद ही रुके। तो शाम तक चलो चौधरी साहब से भी मुलाकात हो जाएगी अपनी, तो कल को वहाँ पहुँचेंगे, कल खाली करेंगे फिर। आगे संडे है, फिर सोमवार को लौट करेंगे, मुजफ्फरनगर में रहेंगे संडे का दिन पूरे, उधर ही घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। और मौसम भी अब थोड़ा ठंडा हो गया है दोस्तों। ये देखो गड्डी वाले कितने तौर से सोए हुए, देखो यहाँ पे ना एरिया बढ़िया है ठंडा, आ हा हा मजे से सोए हुए उस्ताद लोग, क्योंकि बुट्टे हैं तो बुट्टे के नीचे तो मजे आ जाते हैं दोस्तों सोने का। जैसे धूप में लगी हो गाड़ी तो पंखा भी दोस्तों गर्म हवा फेंकता है, दिन में नींद ही नहीं आती है गाड़ी में भाई। तो ये लोग अब रेस्ट कर रहे हैं बूटे के नीचे लगा के, ठंडी छाँव में लगा के मजे से, और शाम को छोड़ देंगे क्योंकि लखनऊ में है नॉन ट्री। तो मेरे आइडिया तो आजकल भाई लखनऊ बाईपास ही जाना ठीक है, क्योंकि अंदर से चला हुआ है काम, गाड़ियाँ घूमती है। चलो फिर भी लोग रेस्ट कर रहे हैं, अंदर से ही जाएंगे, जिसने जाना अंदर से तो जाएंगे अंदर से। देखो गड्डी वाले चल पड़े, देखो कंटेनरों की लाइन ही लाइन आ गई आगे से भाई। बाकी गर्मी इतनी है दोस्तों, फोन 2 मिनट के लिए वीडियो बनाता हूँ, फोन ओवरहीट आ जाता है लिख के, फोन का कैमरा ऑन ही नहीं होता है भाई, क्या ही बोले दोस्तों। इसलिए मैंने ये पीला कपड़ा पक्का ही रख दिया, इसको गिल्ला कर दिया, ऐसा फोन डुबा के रख देता हूँ, फिर ठंडा हो जाता है, फिर वीडियो बनाता हूँ। तो बाकी आप मैं सोच रहा हूँ ना आईफोन लूंगा यार, अब तो माइक में करता हूँ, मजे से बोलने वाली आईफोन लेते हैं, कोई नया तो नहीं ले पाऊंगा, सेकंड हैंड लूंगा, वीडियो बढ़िया आती है भाई। तो नंबरदार के पास आईफोन भाई, वीडियो उसमें ना इतनी झटका आती है भाई, आप लोग सपोर्ट करना यार, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आईफोन भी आ जाएगा अपना, और उसमें बढ़िया बढ़िया फिर वीडियो आएंगे देखने के लिए, बढ़िया आएंगे खास। तो इसलिए कुछ नहीं करना, आप लोगों ने बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बस अपना आईफोन आ जाएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्द आ जाएगा अपना आईफोन। इसलिए भाई छोटे भाई को अपने सपोर्ट करो यार, क्या करें गाड़ी में पैसा बचता नहीं है, कमाई होने लिए चक्कर लगा के वही बचेगा, 1,500-2,000 वो बंदे में जाके खड़े होकर खा लेंगे, तो बस आप लोग की दुआ से बस अब फोन लेंगे हम। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों सुबह शाम के बज गए हैं, 6:48 हो गए हैं, तो हम मिल पार करके खड़े हैं यहाँ पे होटल पे, तो सीधे सीधे साफ करने के लिए धूपबत्ती लगाएंगे और फिर चलेंगे बाबा भी और मैं सीधे साफ करने के लिए, क्योंकि रात हो गई है, फिर उस पर आके नॉन स्टॉप चले रहेंगे। बाबा जी ले रहे हैं आनंद, क्या देखते रहते हैं फेसबुक में, मेरा चैनल सब्सक्राइब करा आपने, आपको फेमस करना और चैनल सब्सक्राइब करानी है। तो यहाँ पे रुके हुए हैं पंजाबी ढाबे में, पार को मौका ढाबा है सीधा, उसके सामने इधर को खड़े हुए हमारी गाड़ियाँ, देखो पंजाब नंबर और हिमाचल नंबर इकट्ठी खड़ी है। एक थंबनेल लेते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं रामपुर, रामपुर अपना हो गया है पार। रामपुर के बाद ना दोस्तों थोड़ा सिंगल है रोड, पहले दूसरी साइड पर हाईवे का चला हुआ काम शायद, इसीलिए सारी ट्रैफिक इधर को ही है। बाकी ये चला हुआ हमारे आगे तूड़ी वाला, इतने छंगड़ मंगड़ फालतू के लाइट तो लगाए हुए दोस्तों उसने, पर ब्रेक बत्तियां इसके कोई भी काम नहीं करती दोनों में, क्या ही बोले दोस्तों। जो मेन चीज़ें वो तो लगाते करवाते नहीं काम, बाकी एक्स्ट्रा लाइट लगाए हुए नीली हरी पीली, बाकी इसकी ब्रेक बत्ती कोई नहीं काम करती है। ये देखो ब्रेक लगाई ना अभी, कोई काम नहीं है ब्रेक बत्ती का। वो देखो बाइक गिर गया यार, देखो वो खड्डे में घुस गया, देखो बाइक वो जिस स्पीड में आया उसी स्पीड में घुस गया बाइक वाला यार। लाइव एक्सीडेंट देख लिया मैंने तो अपनी आंखों के सामने पहली बार, तो मेरे सामने कोई गिरता हुआ दिखा, मैं कहा ठंडन हुई कोई आवाज़ आई, देखा तो बाइक वाला घुस गया बेचारा, जैसे उसने रिवर्सल काटा उसको खट्टा दिखा नहीं है, वो कच्चा उतर गया। क्या ही बोले दोस्तों, इस टाइम शाम का टाइम है ना, लाइट में दिखता ही नहीं एक तो, उसको भी नज़र नहीं आया होगा, हेलमेट लगाया हुआ था बंदे ने, चलो बढ़िया है।
तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और रात के हो गए 8:12 और हम पहुंच गए हैं दोस्तों मुरादाबाद, दिल्ली 151, हापुड़ 98, गजरोला 45 किलोमीटर दोस्तों। और आगे से अपना बाईपास स्टार्ट होने वाला है मुरादाबाद का, तो नॉन्ट्री खुलती है रात को 11 बजे दोस्तों, तब तक हम बाईपास से ही निकल जाएंगे मुरादाबाद के। जाम जूम ना लगे आज, गन्ने की ट्राली ना मिले तो टाइम से निकल जाएंगे हम। और ट्रैफिक देख सकते हो उस टाइम फुल है, फुल ट्रैफिक। तो दोस्तों यहाँ से आगे से हमारा बाईपास हो जाएगा स्टार्ट, TMU लिखा हुआ ना जहाँ पे, TMU यूनिवर्सिटी शायद TMU, इसके साथ ही बाईपास स्टार्ट हो जाता है। अगला फ्लाई ओवर आपको चढ़ना नहीं है, आपको सर्विस रोड लेके ब्रिज के नीचे से दोस्तों राइट टर्न ले देंगे हम। बाबा जी ने लगा दिया इंडिकेटर, ये ऑटो वाला भाई क्या कर रहा है, बराबर खींच रहा है क्या करे ना, ये ऑटो वाले उधर चलते हैं ना, उधर चलते क्या करना, ये देखो ये बीच में ही चला हुआ ब्रेक, या तो इसको साइड में चला ले या बीच में चला ले भाई। ये देखो बाहर लिखा है ना TMU, जैन मंदिर भी है दोस्तों यहाँ पर, जैन मंदिर आ गया ना, जैन मंदिर, जय हो। ये देखो यूनिवर्सिटी है ये TMU, तो इसके सामने से दोस्तों ले लूँगा मैं सर्विस रोड और एंटर हो जाऊँगा मुरादाबाद के बाईपास में दोस्तों। ये देखो यहाँ से भी मैं कुछ देर सीधा चले रहूँगा, जैसे ही मुझे ब्रिज के नीचे जो पहला कट मिलेगा वहाँ से मैं ड्राइवर साइड को हो जाऊँगा और मुरादाबाद बाईपास पे चढ़ जाऊँगा। तो चौधरी साहब भी आके मुरादाबाद बाईपास पार करके रुके हुए हैं बिजनौर वाले रोड में होटल में, तो फोन आया था तो शायद चले ना गए हो या रुके हो हमारे लिए, अभी कोई पता नहीं है। तो अभी मैं फ़ोन करूँगा चौधरी साहब को, मैं कहा हम भी आ गए हैं मुरादाबाद बाईपास में, तो रुक जाना आधे ही घंटे तक हम भी पहुंच जाएंगे। ये देखो यहाँ से मैं ले लूँगा ड्राइवर साइड और मुरादाबाद बाईपास स्टार्ट। तो दोस्तों ये तो बढ़िया हो गया है, पहले जब ब्रिज नहीं होता था यहाँ बहुत तगड़ा जाम लगा रहता था क्योंकि हाईवे को बीचा बीच जाना पड़ता था, अब यहाँ पे और भी बढ़िया हो गया है, आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो हम उसका रुक के इंतजार कर सकते हैं, पर हमारी लाइन चली हुई है अभी, बढ़िया किस्मत है क्योंकि हमारी आगे गाड़ी चली हुई है तो हमारा नंबर लग जाएगा यहाँ पे, से कहीं गाड़ी आ रही हो ना कैसे तो फिर रुक जाना अच्छा है क्योंकि आगे है सिंगल पॉइंट। पर बाबा जी ने स्लो कर दिया गाड़ी यार, ये काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा तो खुला है दोस्तों, बीच में बिल्कुल तंग गली है तो सिंगल गाड़ी क्रॉस होती है, चलो तो ये तो छोटी गाड़ी थी आ गई है मिनट में ही, तो यहाँ पर थोड़ा ये देख के टपना पड़ता है बस, है तो थोड़ा सा एरिया दोस्तों, ये 200-300 मीटर का एरिया है तो इसको देख के पार करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग है। ये तो खड्डे तो बड़े तगड़े हैं, पूरी गाड़ी झुक जाती है इधर उधर को, तो आराम से टपाऊंगा मैं इसको यहाँ पर, बस ये गली सी है बस ये सिंगल, पीछे से बत्ती वाला कौन आ गया भाई, एम्बुलेंस आ गई या आरटीओ आ गया मुरादाबाद वाला, क्या पता कौन आया, पर हमारे को कोई टेंशन नहीं, अंडरलोड गाड़ी हमारी टेंशन फ्री हो गई। ये देखो ये गली सा पार करके आगे को खुला डुल्ला रोड है, ये आ गया मंदिर, शिव मंदिर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ये देखो यहाँ से आगे को कोई टेंशन नहीं है, डबल गाड़ी क्रॉस होती है मजे से, टेंशन फ्री होके चल सकते आप। ये हम आगे TMU यूनिवर्सिटी के पीछे उसकी बैक साइड, तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये आ गया हम TMU के बैक साइड। तो दोस्तों आज ट्रैफिक बहुत कम है यार, ट्रक ट्रुक आ ही नहीं रहे, कोई जा ही नहीं रहा है, बहुत कम है। तो जैसे इसे ये दीवार पार करेंगे टी पॉइंट बन जाएगा, तो टी पॉइंट से ले लेंगे हम दोस्तों कनेक्टर साइड को। ये देखो आ गया दूसरा रोड, बाबा जी ने लगा दिया है सिग्नल कनेक्टर साइड का, तो बत्ती वाली गाड़ी उधर भी जा रही है, एक हमारे पीछे आ रही है, यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट टर्न, थोड़ा देख के आगे पीछे कोई गाड़ी ना आ रही हो, तो आगे से आ रही है गाड़ी तो उसको मोड़ने देखे फिर मुड़ेंगे हम मजे से। ये घोड़े ये तो गाड़ी वाला आगे को चले गया यार, ये आ गया बाईपास का इंजन ऑयल का पंप, ये बोर्ड और ये पंप पार करने के बाद थोड़ा सा आगे जाके ना दोस्तों हमें ले लेना है राइट टर्न,
और उसके बाद कहीं मुड़ना ही नहीं है, उसके बाद बिल्कुल सीधा आगे फिर बिजनौर वाला हाईवे आ जाएगा, बिजनौर मुरादाबाद टी पॉइंट बन जाएगा, तो वहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट टर्न और सीधा बिजनौर की ओर। ये राइट गए तो मुरादाबाद सिटी के अंदर, ये देखो ये पहला ही कट है, पंप पार करते यहाँ से ले लेना आपको राइट टर्न। थोड़ा देख के आगे से गाड़ी आ रही है तो थोड़ा रुक लो भाई, इस गली में अंदर को ड्राइवर साइड घुस के, तो उसके बाद अपना कोई टेंशन नहीं, कहीं मुड़ना नहीं, जैसे जैसे रोड जा रहा है वैसे वैसे मुड़ते रहो आप टेंशन फ्री होकर। बस इसमें दो ही कट है दोस्तों, एक DMU के पीछे से कनेक्टर साइड, और उसके बाद चलने के बाद आगे पंप आएगा, पंप के बाद छोटी सी मार्केट, उसके साथ ही ड्राइवर साइड को, फिर आपका बाईपास क्लियर समझो दोस्तों, मुड़ना ही नहीं। बोलो केरा टप आए, अरे देखो चाहता था पसीना ही पसीना हो गया, देखो टी शर्ट में भी छाप पड़ गई है। तो दोस्तों पहुंच गए मुरादाबाद, हमने पार कर लिया, यहाँ पे फौजी ढाबे में रुके हुए हैं, तो टायर टूर अपन चेक कर लेते हैं। मुरादाबाद हो गया पार, तो यहाँ पे रुके फौजी के ढाबे में चाय के लिए, तो थक गए दोस्तों सफर कर करके, तो थोड़ी देर लंबे पड़े, जितनी देर चाय नहीं देता ना, फिर सीधी कर लिया है कि नहीं, बम्बा कर रहे हैं क्या करें दोस्तों, थक गए यार, दिन भर गाड़ी चलाई आज तो, आज जैसी बहुत सफर करे बाबा है, करे नहीं सफर 200 किलोमीटर सफर कर, 200 ये नहीं ज्यादा है, 500 किलोमीटर सफर होना चाहिए, 500 करूंगे ताई है, 11 बजे तक तुरे सी 250 किलोमीटर सफर करना चाहिए, 12 बजे पहले पहला 250 किलोमीटर सफर करना चाहिए, रोटी खाने से रेस्ट के बाद 500 रात के 12 बजे 11 12 बजे तक। चलो देखते हैं, तो दोस्तों ये लगी हमारी गाड़ी लाइन में, पहले रात खींची हमने बस गड्डिया ना, पहले दिन तो भी रोड भी चाहिए होता थे, रोड नहीं ना है ये रोड भी ऐसी टाइप की, 6 लाइन होता था टाइम तो कितने देखते कौन जाना था, इतने तो फिर ऐसे लश्कर पहुंच जाना था नहीं, तो आज दूसरा दिन और हम पहुंच गए हैं, क्या जगह नाम है लक्सर, पहुंच गए हैं और 2 दिन काफ़ी मिल गया हमें, तो 2 दिन की यहाँ छुट्टी थी तो इसीलिए खाली नहीं हो पाई गाड़ी, तो आज भी देखते हैं मुश्किल है, कल संडे है, तो कल संडे को ही अपनी खाली होगी गाड़ी, तो अभी आए होटल में खाना खाने, बाबा जी गाड़ी में रेस्ट कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों होटल को जिस प्रकार से यहाँ पे, और बाकी देखो कंपनी की पार्किंग मिलेगी गाड़ी, और ये देखो सार लोग सब इधर बैठे, चौधरी साहब को पकड़ लिया, चौधरी साहब ये लोग आए कर दो बंदे, बोरे चौधरी साहब को छोड़ दिया, धोखा दे दिया बोरे चौधरी साहब को, चौधरी साहब शर्मा रहे हैं दोस्त आज, हेलो कर दो हाय कर दो। तो दोस्तों आज का लंच अपना ये आ गया है, दाल राजमा और साथ में मक्खन प्याज और ये चटनी, हाँ 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 हाँ, तो दोस्तों मुंह में आने लग गया पानी, हाले थे प्रभु चौधरी साहब कपड़ खाओ, दाल राजमा उत्तराखंड के दाल राजमा खाओ, हाँ 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 हाँ, फटाफट हाँ हाँ, काफी सिंपल नज़ारा है उत्तराखंड में आज, हाँ जी चौधरी साहब देखो उत्तरांचल का स्वाद कैसा है, चिंगपोंग चिंगपोंग का खाना खा ले बढ़िया लगेगा तेरे को, है ना यार, कहाँ तो दिन बाद है, बड़े दिन बाद है, घर वाला गाना है लाल मिर्च टोकी वाले, इधर उत्तरांचल का तो निशानी है ना फिर, लाल मिर्च खाओ टोक के, सबने दाल राजमा ही लगाई आगे, लाल मिर्च खाओ सोलो खाओ। ये उस्ताद था दोस्तों, तो ये ना कलकत्ते से नट गए गड्डी छोड़ के, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उस टाइम ये मुच्छे मच्छे को कर रहे थे, तो दोस्ती पड़ी हुई थी, तो कहीं भी मिले बंदा तो ग्रुप में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बंदा परेशान है इनके नाल दा यार, एक मिनट गड्डी लेके आए थे कलकत्ते भाग के। तो दोस्तों हम यहाँ आए हुए JK टायर, यहाँ पे बनते हैं JK टायर दोस्तों, तो यहाँ का काला पाउडर लेके आए, देखो कितने सारे टायर ही टायर बना के रखे, देखो ये ट्रैक्टर का टायर, काफ़ी सारे टायर है दोस्तों यहाँ पर, 2 जोड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार, फ्री में दे दे कंपनी वाले, JK टायर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों ये टायरों की, JK टायर की बहुत बड़ी कंपनी है, देखो बाइक वाइक सब जगह के टायर बनते हैं इनके, सब गाड़ियों के,
चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ट्रैक्टर के टायर भी बढ़ते हैं भाई। ये सब इनके नीचे तिरपालों के नीचे टायर ही बढ़े, अंदर जगह नहीं है तो यहीं पर रखे हुए इन्होंने टायर तिरपालों से ढक के। तो अभी मैं कंडा कराने के लिए घूम रहा हूँ, इधर पता ही नहीं लगता कंडा किधर है। तो मैं आगे चले गया, फिर वापस मुड़ के आया मैं कांटा वागे जाके भाई। कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, पता ही नहीं लगता है। ये देखो दोस्तों 1000 पीस के टायर है, देखो ये पूरी गुड्डी वाले अगले पिछले सारे है। देखो ये देखो टायर ही टायर, जेके टायर। मेरे को बोले ले जाओ साथ, बाकी तो मैं ले जाने थे सारे। तो खुल रही है अपनी तरसी त्रिपाल या कि सील। दोस्तों अनलोडिंग करके हम आगे हैं लोडिंग के लिए मंगलोर। तो मंगलोर गड्डी गड्डी लोड हो गई है, और ये अपने परमाणु वाले एचआर खाट वाले बहुत ही साफ सुथरा होगी। हम दोनों एक साइड होगी परमाणु के लिए, बाकी वो बच्चे के लिए। बाकी यहाँ पे कंटीन में यहाँ पे खाना खाना खाया, चाय पी रहे हैं। बाकी देखो पी रहे चाय, मैंने पी लिया चाय। और ये अपना ताऊ होटल वाला देखो कैंटीन है कंपनी के अंदर। उत्तराखंड पेपर मिल यहाँ पे आए हुए लोडिंग के लिए। ये खड़ी है हमारी HR वाली HR 68, इनकी लोड हो गई थी रात को ही, तो रस्ता तिरपाल पा दिया है। तो अब मेरी लोड होके खड़ी है भाई, गर्मी इतनी है तो हिम्मत नहीं पड़ रही है भाई तिरपाल डालने की। एक ये आती लोडिंग करके खड़ी है, तो इस 10-10 टन माल लोड किया हमने, ज़्यादा पाना पड़ गया यार दोस्तों। ये खड़ी है अपनी गाड़ी यहाँ पर, तो ये लोडिंग पॉइंट है इधर, यहाँ पर होती है लोड। ये देखो इसमें तो ज़्यादा है माल मेरे अंदर ना। तो दोस्तों ये है अपनी गाड़ी में 17 रिले, 6 इस साइड 6 इस साइड, 6 6 12 12 5 17 रिल। तो बत्ते पा रहे भाई धूप में वो। और ये तो ओवरलोड चल रहा है मेरे को लगता है टेम्पो, कहाँ पहुँच गया उसके रिले। ओवरलोड फुल दोस्तों, ये 15-16 टन माल होगा। तो देखिए भाई हम डरी जानते हो कि हमारा वो नजर है, वो देखो पैंच कितना ऊपर लेके चला हुआ। तो इसमें अच्छे से डाल गया। तो दोस्तों निकल पड़े हम लोडिंग करके, और अभी पहुँच गए हम रूड की बाईपास पर। रोड की बाईपास यहाँ पर एंड होने वाला है भगवान को साली यार। यहाँ से रुड़की से हो जाएंगे हम भगवानपुर के, और भगवानपुर से सहारनपुर से यमुनानगर से बरवाला से पंचकुल्ला की ओर निकल जाएंगे दोस्तों। तो पंचकुल्ला से सीधा परमाणु पुहाना पहुँच गए हम पुहाना। और ये व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों आप पुहाना का, पुहाना उत्तराखंड। तो हम दोस्तों उत्तराखंड पेपर मिलते लोड करके लेके आए पेपर रील परमाणु के लिए। हमारी दोनों गाड़ी में परमाणु का है, बाकी चौधरी साहब लेके जा रहे हैं बद्दी का, और चाचा तो कल हरिद्वार से लगवा के चले गया था कल ही, पिछले कल ही कार्टून बॉक्स। तो मेरी लेट खाली हुई तो मैं रह गया, तो आज लोड करी हमने रात को ही, आ गए थे हम यहाँ लोडिंग पे। तो ये चार नंबर तो रात को ही लोड हो गई थी, तो हम जोड़ा लगा के आए थे, तो इसीलिए वो साथ ही निकले। तो साथ आए थे तो साथ ही निकलेंगे। ये आ गया दोस्तों उत्तरांचल का पहला टोल प्लाजा, हमें पुहाना पार करते ही। तो ये 180 का टोल टैक्स है दोस्तों, 180। उत्तराखंड सरकार UK 17। छोटा हाथी किधर चला हुआ है 458।
ये पहुंच गया हम भगवानपुर इंडस्ट्री एरिया। यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं अंदर को, गाड़ियां भी काफी सारी खड़ी है लोडिंग के लिए भाई, ट्रांसपोर्ट में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। ये देखो राजस्थान RJ 34, ये देखो फैक्ट्रियां भगवानपुर में। दोस्तों ये पहुंच गए हम खुबरीपुर, तो आगे आएगा छुटमलपुर, तो छुटमलपुर से हम दोस्तों ले लेंगे लेफ्ट कनेक्टर साइड को और सीधा सहारनपुर की ओर। कौन है? SP 17 नंबर। कहीं को आवाज गाड़ियां दे रहा है यार, क्या चक्कर है? लीलैंड गड्डी है कर रहा है तो बुजुर्ग सा बंदा। कौनते वाले नो क्या हो गया भाई, हैं कंट्रोलर लाई जा रहा है लीलैंड में और चले हुआ मजे से। तो ये आ गया दोस्तों मंडावर गांव, मंडावर। तो ये है बॉर्डर एरिया, तो अभी हम उत्तराखंड में हैं, तो ये थोड़ी देर बाद हो जाएंगे हम उत्तर प्रदेश में एंटर दोबारा से। कर क्या रहा है यार ये, हाँ तो हम UP में एंटर कर चुके हैं दोस्तों, ये छुटमलपुर पहुंच गए हम। तो आगे से देखो सामने फ्लाई ओवर दिख रहा है, यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट टर्न सहारनपुर 24 किलोमीटर, और ड्राइवर साइड को है देहरादून 43 किलोमीटर दोस्तों। तो अपने साथ की इकोमेट खड़ी है, आगे निकल पड़ा होगी। कर क्या रहा ये HR 55 वाला भाई, ना रोक रहा ना चल रहा है। ये आ गया बडकला गांव। तो ये देखो UP पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस चौकी बडकला। ये अंदर चले गया दोस्तों छुटमलपुर के लिए, और हम यहाँ से कनेक्टर साइड को हो जाएंगे सहारनपुर के लिए ड्राइवर साइड को देहरादून की ओर दोस्तों। पंजाब झटका चिकन सेंटर, वाह। तो उत्तराखंड वालों बाय बाय, और हम हो गए अब उत्तर प्रदेश में एंटर दोस्तों। वो देखो गोभी लगी है, फूल गोभी, ये देखो गोभी की खेती। तो छुटमलपुर हम UP में एंटर हो गए थे, तो उत्तरांचल से भाई UP में एंटर होते ही छुटमलपुर पार करते ही लगभग ये आ गया टोल प्लाजा। तो मंगलूर से दोस्तों सहारनपुर 50 किलोमीटर भी नहीं है, 50 किलोमीटर के अंदर दो टोल प्लाजा आ गए, दूसरा टोल प्लाजा आ गया। ये होता है देखो हाईवे बदलने का फर्क और स्टेट बदलने का फर्क, वो था उत्तराखंड में, ये है उत्तर प्रदेश में। तो रोड बदल गया, उधर से हम कनेक्टर साइड हो गए।
ढोल ही ढोल है भाई आजकल हो गए चारों तरफ। तो दोस्तों टोल अपना हो गया है क्लियर। तो ज़्यादा महंगा टोल तो है नहीं दोस्तों, ये 120 का है, दूसरा 180 का था, ये 120 का है। तो 180 120 200 300 के टोल पर आ जाओगे, चलो ज़्यादा महंगा नहीं है, तो बाहर के हिसाब से तो ठीक ही है। चलो दो टोल एक 300 में, भारी हो रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाहर को तो आपको पता ही है एक एक टोल प्लाजे ये 300 350 400 500 के, तो ये फिर भी ठीक है। दो टोल प्लाजे लगे पर 300 के हो गए दो टोल प्लाजा। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, सहारनपुर अपना हो गया है बाहर, और अभी हम पहुंच गए दोस्तों सरसावा। तो सामने आने वाला है सरसावा वाला टोल प्लाजा, और भाई गर्मी इतनी है ना, बाकी यार अपना पानी ना है जो गाड़ी में वो गर्म हो गया है। तो मैंने साथी को बोला था, मैं कहीं रुक लो पानी की बोतल ले लेते हैं, पर उस्ताद जी ने भाई गाड़ी रोक के राजी नहीं है, चले वही है कंटिन्यू। बोलते आगे टोल पार करके होटल है उधर रुकेंगे वहीं पियेंगे पानी। बोला खेतों में किधर मिलना पानी इधर, मैंने बोला खेतों में नहीं, कहीं दुकान मिलेगी तो ले लेंगे, पर उस्ताद रुका नहीं यार, क्या ही बोले दोस्तों। तो चौधरी साहब वगैरह अभी पता नहीं किधर ढूल रहे हैं भाई सिंगल रोडों में, मैप के चक्कर में कहीं घुस गए वो कहीं अरे परे। गूगल मैप भी भाई आगे इसकी बस की बात नहीं ना है चलाना, तो पता नहीं किधर चले गए वो। इकोमेंट वाले का फोन आया था मुझे, बोलते चौधरी साहब पता नहीं कौन सी गलियों में घुस गया, बोला मैं कहा अच्छा जी ये आ गया। तो उसको टोल प्लाजा ये है मोटे टोल प्लाजा, यहाँ से पंचकुला तक दोस्तों तीन तीन टोल आने, ये भी बहुत मोटे मोटे टोल है दोस्तों, 400-500 से कम है नहीं कोई भी टोल प्लाजा इधर। ये कार वाला बैग क्यों आ रहा भाई, कार वाला इधर को आ रहा था, मैं आ गया उतने तो वो पता नहीं भाई किधर रुकेगा उस्ताद। अच्छा इधर रुक गया उस्ताद, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। तो ये पता नहीं कौन सेल टैक्स वाले थे शायद, तो उस्ताद ने बता दिया कि केक की माल है हमारे पास, अब चल पड़े भाई। एसटीसी वाले को भी रुका हुआ था, नहीं पड़ती है दोस्तों ऐसे ऐसे जगह तो रोक लो, जब भगाएंगे तो फिर ज़्यादा ऑफिसर वगैरह चिढ़ जाते हैं ना, फिर छोड़ना हो फिर भी नहीं छोड़ते, फिर कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। तो बाकी मैंने रोक लिया था पर इकोमेंट वाले साहब ने बात कर ली। तो दोस्तों जाते वक्त मैं था चौधरी के साथ, चौधरी साहब के साथ वापसी में बाबा जी मिल गए, फिर लक्सर से ये चाट वाले साथ में हो गए, तो अलग अलग बंदे के साथ अलग अलग साथ होते जा रहा अपना भाई, तो अब अपना परमाणु तक अपना साथ है। ये टोल पार करके आ गया दोस्तों होटल, अच्छा गुरुद्वारा आ गया, गुरुद्वारा साहिब होटल भी है, पीवी 12 वाले भी रुके थे, पीवी 12 वाली। पीवी 12 है ना, एचपी ये देखो क्लिंकर वाली गाड़ी थी, देखो छोटी गाड़ी 12 टेरी। यार तेनो क्या पानी की पानी पिलाते, क्या चौधरी की तरह घूम गया ना, कहना उल्टे रोड में घूम गया कहाँ हो रहा, पानी पीना था गर्म ठंडा पानी। तो दोस्तों नहा धो के अपन रेडी हो गए हैं, तो चौधरी साहब इस बार है ना मतलब इस बार ही पंडित जी, तो नंबरदार भी आ गए तो इधर खा रहे हैं मक्खन के साथ रोटी भाई। देखो क्या चौधरी साहब उधर बैठे हुए, अब मेरी वाली मंडली छोड़ दी चौधरी साहब ने, वो तीन तीन हम तीन हो गए अब। और ये देखो कुत्ते की आंख देखो कितनी चमक रही है यार दोस्तों, ये देखो नंबरदार की गड्डी इधर होटल के मुरे, बाकी हमारी गाड़ी उधर खड़ी है मेरी बाहर। तो कुत्ते की आंख कितना चमक दी, हेलो देखो ये क्या करना है इसको, मक्खन रख दे इसने, अब मक्खन ही है यार भाई करते यार, मेरे को क्या पता कैसे खाते रोटी, मैं तो सब्जी तेरे पास हूं और क्या सब्जी के नाल खा मैं यार, मैं तो मेरी चाय ना रोटी खाने का स्वाद है ना, चाय नाल चाय नाल मैं तो मलाई नाल खाती है बस, वो अलग स्वाद है। ये खड़े हम सैनी शेरे पंजाब चाबा
इसमें बस लून लाट पाने इसमें ज्यादा तो मंगाई नहीं फिर तो साथ चकलो रोटी एक चकलो पर सदा अच्छा चाह आगे भाई चाह ले आती सर क्या करना था खाली गिलास तो रोटी नाल ये देखो साथ दूध का गिलास लिया भाई हरियाणा वाले तो पक्के दूध पीते है ना दूध लस्सी अरे हम लोग चाह पी के ताई तो सुखड़े हुए हमें यार ये क्या करे करता है लंबर दाने तो चटनी भी बीच में पा दी भाई लून लानी पड़ा तुम्हें तो दोस्तों आज आज खा रहे हम मक्खन के साथ रोटी लून मिर्ची के साथ सारी फोटो साफ के आटा चमक गया भाजी ना मेरे ले तो मैंने आईफोन नहीं दवाना हूँ आईफोन में कहते ब्लॉग बढ़िया बनते यार जैसे मैंने वीडियो भेजी ना फट गई यार पूरी फोन मेरा सड़े हुआ जहाँ फोन है मेरा ना तो दूजे करके नहीं भेजे मैंने पी डी एफ करके नहीं भेजी दे पी डी एफ नहीं ना करे तू पी डी उदा ही भेज दी हूँ लग रहा सीसा साहब कहने पहले नहीं करे तेने फिर मूड बन गया गंदे होने फिर ताई मूड बने तेरा अच्छा ये खड़ी अपनी सारी गड्डी अल्ट्रा सारी एक भारत बेंज एक ले लेने एक अपना ट्रक इनके साथ चौधरी है साडा फिर टिल्ला हो गया चौधरी के टांग में आ गई मौच देखो लंगड़ा लंगड़ा चला करता देखो हाँ नंगे पैर चलाइयो और नंगे पैर ही चलाइयो तो मौच आ गई चौधरी साहब को तिरपाल डालते हुए अब चल रहे स्टार्ट होगी गड्डियाँ सारी देखो एक लीलैंड दो भारत बेंज तीन अल्ट्रा है और एक अपना ट्रक छोटा चले फिर अपन तो हो गया दोस्तों गड्डियाँ स्टार्ट तो निकल पड़े सब उधर से लंबरदार आ गया उधर से कमेंट भी निकल गया सबसे पहले कमेंट ये आ गया साडा लंबरदार पीछे करा देखो भाई तत्ते हुए पे एक दूसरे के आगे आराम नाल निकाल लो आग लो चल पे हूं लाइट तो दिख रहा सोना तो चल चल लाइट चला रहा देखो लंबरदार सिक्सी तो निकल पड़े हैं दोस्तों होटल से और थोड़ी देर में हम हरियाणा में एंटर हो जाएंगे तो ये सरसावा बॉर्डर में खड़े बैठे हम टोल पार करके अभी नदी वाला पुल आएगा नदी वाला पुल पार करके हरियाणा में एंटर हो जाएंगे दोस्तों सारी गाड़ियों में दोस्तों पेपर लोड है इकट्ठे आए थे अलग अलग आए थे सारे तो मेरे साथ तो पापा आया था पापा तो भाई बद्दी खाली कर गया कल ही लोड होगी थी पापा की बाकी ये लंबरदार ने आज ही खाली करी आज ही लोड होगी भाई लंबरदार तो कलकत्ते भी जाते खाली होगी जाते माल निकल गया पर फैक्ट्री में दो दिन टूट गए लंबरदार के पास बाकी लक्की चौधरी है मेरे को और तो मेरे साथ आ रहा है एच आर नंबर 1-25-14 हमारा तो दोस्तों महीना ही खत्म हो गया समझो काफ़ी दिन हो गए 1 तारीख के चले थे हम नालागढ़ से पूरा महीना हो गया खत्म दोस्तों कलकत्ते को यार क्या ही बोले दोस्तों ये है दोस्तों बॉर्डर रोड यही बॉर्डर है दोस्तों पुल पुल से दूसरी साइड यूपी उत्तर प्रदेश और पुल पार करते ही हरियाणा में एंटर हो जाएंगे तो बाय बाय यूपी वालों उत्तर प्रदेश वालों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय लव यू और ये है हरियाणा में एंटर हो गए दोस्तों हरियाणा वालों स्वागत नहीं करोगे हमारा तो दोस्तों एंटर हो गए यमुनानगर तो यमुनानगर के लिए रोड यहीं से जाएगा दोस्तों अंदर के लिए और ट्रैफिक इस टाइम बढ़ गई है क्योंकि इस टाइम शाम का टाइम है ये आ गया वो बॉर्डर वाला बैरिकेड आके तो मैं तो दोस्तों सबसे पीछे ही चला हूँ क्योंकि बीच में चलेंगे तो कई बार अर्जेंट ब्रेक लग जाती है ऐसे बढ़िया अपने सबसे लास्ट में चले रहो बस मजे से अपने फ्री माइंड होकर ये बॉर्डर आ गया दोस्तों तो यहीं से साथ में अंदर को यमुनानगर के लिए जा रहा है रोड तो हम बाईपास से जाएंगे बारो बार और अपना बढ़िया हो गया दोस्तों क्योंकि बाईपास बन गया यमुनानगर का अंदर से तो ये ट्राली वाले जा रहे हैं ना दोस्तों तो इनका जाम लगता है तगड़े वाला ये देखो क्योंकि अंदर यमुनानगर में काफ़ी जाते हैं ट्राली लकड़ लेकर ये देखो कार को घुसने दे पिकअप वाले वो देखो चलेगा ना ट्रैक्टर वाला अंदर को सिंगल रोड है वो जाम लगा रखेगा लाइन
फिर चले गया दोस्तों यमुनानगर अंदर के लिए। और हम बाईपास दो सड़क 39 किलोमीटर कितना है ठीक जाना डीजल बहुत है तेरे को तो कितने का पाना रहे 3000 का मैं भी 3 का ही पा ले मैं 3 का पा लेना फिर चौधरी तू कितने का पा रहा कितने का पा रहे चौधरी साहब दिखता तेरा भी ये तो मेरी जाली लगी ओ तेरी बड़ा तर 26% है कितने का 60 लीटर कितने का 60 लीटर तो डाल रहे हैं यहाँ पे डीजल भारत के पंप में। यमुनानगर बाईपास में पहुँच गए दोस्तों, यहाँ पे डलवा रहे हैं डीजल तो सब डलवा रहे हैं, चलो मैं भी डलवा लेता हूँ कि मैंने तो कमेंट वाले के खाते में डलवाए पैसे 4000 रुपये एडवांस हुआ तो 3 का डलवा लेता हूँ डीजल, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। ना ना जब तक उधर से लोड करके कितने का तेल पा लिया तेने बंगाल में तो नहीं पाया तेने कितना लीटर आया था फिर उसके बाद यहीं पा रहा है टैंकी फुल हो गई थी तेरी है ना। मैं 17000 रुपये का पाया हुआ 18 तीन 21 का हो गया मेरा वापसी में जरा कितने का 13 और 3 16 का ना मेरा 15 और 3 का वो कितने का पा रहा था 15 और 5 20 और 3 53 का हो गया तेरा 5178 का हो गया तेरा 60 लीटर पे गया चौधरी गड्डी में पा लिया अंकल क्या होता सेल्फ करवा लो इसका यार कहीं कर यार मैकेंटर नहीं चलती मेरे से पता नहीं लगता यार हमारी चारों गड्डियां डाल रही है डीजल चौधरी साहब मेरे को भी डलवा दे डीजल तो कैश देना थे नहीं मैंने भी पा दे नाला कर दे देता मैं पैसे फिर 4000 पाया यार फिर 3 का हो जाना मेरा चलो 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 तैं कितने का पाना है 40 चल चल कर अपनी गड्डी आगे 3500 का होगा ये 3518 रुपये 40 लीटर तो इतना डीजल बच गया लाल सुई में चले गया भाई एकदम 816 किलोमीटर अब हो गया दोस्तों 200 लीटर डाला था ना मैंने 816 किलोमीटर हो गया था मतलब तकरीबन मेरी गड्डी पहुंच तो जाती अब देखते हैं इसको कर देते हैं काम 0 दोस्तों रात के हो गए 12:30 और हम पहुंच गए हैं चंडी मंदिर और यहाँ चला हुआ प्रोग्राम शादी का भाई चला था कपाट डीजे डूजे चला हुआ बाकी लगी हुई अपने साथ की इक्विपमेंट बाकी चौधरी साहब और दूसरी गाड़ियाँ लगी हुई पीछे यहाँ पे चाय चूय पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे को हम परमाणु को चौधरी साहब बद्दी की और पता नहीं किधर रुके पीछे उधर बाकी ट्रैफिक बिल्कुल कम होगी अब तो थोड़ी बहुत है और उधर प्रोग्राम तक ही चला हुआ भाई शादी का किसका शादी हो रहा है भाई इधर चौधरी साहब क्या हो गया टांग ना बंदे बोल रहे बोलो कंचे को छड़ देना तब हुआ बोले ऐसा ही हो सकता है और क्या कंचा दागी है दागी है और क्या साढ़ा सात छोड़ दे यार छड़ी साढ़े नाल है बंदे ने रोटी खाने के लिए कुछ है भी नहीं सामने ना रोटी खा लो है चले दो पहुँच ले जा फिर मेरे यार इंदौर वाली करा दूंगा जमा पर तेरे तो बस ही नहीं और यार मैं कलकत्ते को मैं आई यार कसम है चले हूँ कसम से वो यहाँ से जो इंदौर से लेके आया था वो रोटी टिकट खानी पड़ता है ना रोटी कहाँ से ले बार बार रोटी है ले वो मलाई नाल रोटी दे था दस यार दूजे नहीं रुके वो दोनों किधर चल ठीक है चलो बाय 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 करते बोले कैसा रहा सफर फिर बढ़िया बोल दे फिर लाइक शेयर कमेंट करना जोर से फोन मकर को हाँ लास्ट चक्कर में आते आते घर पे टांग करवा लास्ट में पूरे चक्कर में चलो बाय बाय। और ये अंकल 2 साल 25 14 ये निकल गया कमेंट पर मिस पूजा का गाना आ गया बोले एक दारू दूजी पीनी केड़ी दारू पीनी बोले दूजी ये काम खराब हो गया यार गड्डी भी लगा उठाने तूड़ी वाला आ गया पर यहाँ खुली डुली जगह है चलो कोई चलो तूड़ी वाला का कर लिया पास ये जा रही हमारे आगे केटन भाई इसका काम मेरे को खराब ही लग रहा है दारू दूरू पी के शायद
ये दो तीन बारी बच गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो रिक्वेस्ट करेगा कांड शायद, पर हम यहाँ से परमाणु की ओर चल जाएंगे आगे का जिस हिसाब से चला हुआ है। फिर उसका कैंटर के आगे उसने मार दी ब्रेक जाके, इन कार वाले को देखो देखो क्या ही बोले दोस्तों, मरने से नहीं डरते भाई ये लोग। ये आ रही है बद्दी की ओर से गाड़ियाँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि उनको चढ़ाई है। कार वाला कर क्या रहा है ये, ऐसे तो बड़ी जल्दबाजी से दिखाते हैं, जब दिख रहा है कि खुला रोड है फिर आराम से ही हो जाते भाई। काफ़ी दिनों बाद मैं पिंजौर से कालका की ओर जा रहा हूँ। पहले तो जब मैं ऊपर की पहाड़ की गाड़ी चलाता था तो यही एरिया होता था अपना पंचकुल्ला पिंजौर, इधर से ज़्यादा माल लेके जाते थे हम। इधर आके टाइल वाली दुकान है, वहाँ से लेके जाते थे हम हार्डवेयर का सामान। और ये अपना होता था बाईपास, ये यहाँ से जाके सीधा टिपरा निकलते थे दोस्तों, टिपरा मार्केट जब भी इधर से लोड करते थे हम। तो यहाँ पे एक हार्डवेयर की दुकान है टाइलों की, चिप्स की, इससे लोड करते थे हम ज्यादातर पिंजौर में। ये आहूजा लाइट लगाई नहीं है, इतनी बड़ी शोरूम है, आहूजा से लोड करते थे दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू और हम पहुंच गए हैं कालका बाजार। यहाँ से कालका बाजार शुरू हो गया है और रात के बजने वाले हैं दोस्तों एक, और हमें कोई होटल खुला मिला ही नहीं तो भूखे मरेंगे, इससे बढ़िया तो नीचे वहीं खा लेते सूरजपुर। तो ठीक था, कालका बाजार भी पूरा बंद हो चुका है, अब देखते हैं जाकर परमाणु चौक पर, शायद वो खुला हो तो बात बन जाए। रात को देखो दोस्तों सुनमसान पड़ा है और दिन में इधर शांति नहीं है, दिन में तो जीना हराम है इधर गाड़ी चला के, पर दिन में अब नॉन ट्रिल रहती है दोस्तों। अब तो परमाणु का बाईपास बन गया है, परमाणु कालका पिंजौर तीनों का बाईपास बन गया है, तो गाड़ियां आती नहीं इधर से, अब कम सम आती है अब। तो दोस्तों रात के बज गए हैं डेढ़ और आज मर गए भूखे, तो यहाँ पे आए थे पूरे परमाणु चौक में ढाबा देखने, और बाद में देखा तो टाइम हो गया डेढ़, मैंने सोचा 12 बज रहे होंगे, 12 बजे तक तो खुला रहता है होटल और आज बंद है। अरे परमाणु चलता मैं पक्का ही, अरे भाई मैं भी परमाणु पक्का। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, तो ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।